उदय मेघाणी गुजराती मूल कविता का पाठ कर रहे थे और इस गुजराती कविता के हिंदी अनुवाद को भी हम एक स्वतंत्र कविता ही समझते हैं, उसमें मूल कविता की मूल भावना समाहित होती है। इस कविता के अनुवाद के लिए प्रोफेसर दर्शन पुरोहित को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में कार्यरत हैं। आप एक कलाकार हैं, बहुमुखी प्रतिभाओं से संपन्न हैं। टीवी, आकाशवाणी, दूरदर्शन तमाम जगहों पर आपने एक परफॉर्मर के रूप में भी परफॉर्म किया है। श्रृंगार मणि की उपाधि भी आपको प्राप्त हो चुकी है। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा भी आपको पुरस्कृत और प्रशंसित किया गया है। आपने देश विदेश का बड़ा ही गहनता से परिभ्रमण किया है और उसे अपनी रचनाओं में समाहित किया है। फिलहाल आप UGC नेट और अन्य तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्य भी हैं। प्रोफेसर दर्शन पुरोहित, भारतवर्ष के अत्यंत विख्यात चित्रकार और साहित्य जीव, ऐसे हमारे मूल कवि प्रोफेसर गुलाब मोहम्मद शेख की एक मार्मिक कविता स्वप्नना पिता का हिंदी तर्जुमा सादर प्रस्तुत है। सपने में पिता, फिर दिखाई दिए कलाब बाबूजी, फिर दिखाई दिए कलाब बाबूजी, हजारों कोस दूर घर से यहां बाल्टिक तट पर, जहां सोया हूं मैं वहीं खटिया किनारे आ खड़े हुए आप इस अनजानी भूमि पर, भाइयों के झगड़े में सुलह संधि करवाई, पहना था तब वही थिगलीदार छुर्रीदार कोट, गए जब दादाजी तब भी आप ऐसे ही खड़े होंगे अकेले, दादाजी का छुर्रीदार हाथ थामे, कब छोड़ काठियावाड़ आपसे क्राइमिया के शरणार्थियों संग, भोगा वो भादर सी नदियों को लांग, कंगूरा चढ़ रोमन बुर्ज का, कंधे डाल थैला डाकिये का, उतर आए यहां तक, देखिए तुम मुड़कर, दौड़ आया पूरा कब्रिस्तान आपके पीछे, नजर आती है आपकी ही कब्र क्यों, नजर आती है आपकी ही कब्र क्यों हर कब्रिस्तान में, और पीछे पीछे भागकर आते भाई, क्या अब भी झगड़ा निपटा नहीं, पीछे लकड़ी की टेक पर दूर कहीं धरती आकाश के मिलन छोर पर सिवान पर मोतियाबिंद आंखों से मेरी खटिया ढूंढती दिखती है मां, मां हे मां, नहीं दिखता मुझे भी, अब तक जो हाथ में था वो बचपन यहीं कहीं खटिया तले बिखरा पड़ा है, खटिया तले बिखरा पड़ा है वो बचपन, सपने में पिता। बहुत बहुत धन्यवाद।